अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, वो जो फीमेल पोस्ट के लिए आपने कुछ सीवीज भिजवाई थी मुझे, उनमें से 3 सीवीज मुझे बेहतर लग रही हैं। आप ऐसा करें, इन 3 को भेज दें, इंटरव्यू के बाद जो भी मुझे समझ में आएगा मैं हायर करूँगा। ओके, मैं कल ही भेज देती हूँ तुम्हारे ऑफिस। जी ठीक है। अच्छा आयो, तुम कहाँ गायब हो गए हो? आ जाओ किसी दिन ऑफिस। और ये बताओ कि तुमने शादी की या नहीं, या अभी भी मजनू बने फिर रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही काम में इतना मसरूफ रहता हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। और रही बात शादी की, तो वो भी हो ही जाएगी। चलो आओ तो फिर मिलके बात करते हैं। जी जी, श्योर, थैंक यू जी, खुदा हाफिज। ओके। खाना तो खिला देती। जी जी, मैं 2-3 बार गई थी उनके पास, लेकिन हर बार डांट के कमरे से बाहर निकालती। शीबा, 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 उठो, शीबा, क्या किया तुमने? ये फरीदा, फरीदा, अरे डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है शीबा की? आपने बहुत अच्छा किया कि आप उनको वक्त पर हॉस्पिटल लेकर आ गए। हमने इनका स्टमक वॉश कर दिया है। वैसे तो ये पुलिस केस बनता है, लेकिन शीबा की मेंटली हालत देखते हुए मैंने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया। कोई बात ऐसी हुई है कि शीबा ने ये स्टेप लिया और अपनी जान लेने की कोशिश की? पता नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसने कब से पिल्स खाई हुई थी। एनीवेज, आज रात हम उसको हॉस्पिटल में रखेंगे अंडर ऑब्जर्वेशन, और आप रुक सकते हैं उसके पास। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत ओवर तो नहीं लग रही? प्यारी लग रही हो, हमेशा ऐसे ही रहा करो। थैंक यू। तुम आज जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हो, गुड लक। लेकिन मैं ऑफिस में करूंगी क्या? अरे बहुत सारे काम होते हैं, कहीं ना कहीं स्टाफ में बिठा देंगे तुम्हें भी। फिक्र नहीं करो, रीना मैडम बहुत अच्छी हैं। अपनी कंपनी में हम जैसी बेसहारा लड़कियों को कहीं ना कहीं रख लेती हैं, मायूस नहीं होने देती। शायद इसलिए अल्लाह ने इन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। चलो। Thank you.
रोशनी, हम सोच रहे हैं कि अबान के लिए कोई केयर टेकर हायर कर लें। केयर टेकर होगी तो वो बेहतर तरीके से डील कर लेगी और आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। भाभी, कोई गलती हुई है क्या मुझसे जो आप अबान के लिए केयर टेकर का सोच रही हैं? मुझे तो सुकून मिलता है अबान की खुशी में खुश होकर, बल्कि उसको तो मैंने हमेशा अपनी औलाद की तरह ही समझा है, औलाद की तरह पाला है। आपको लगता है कि अबान की देखभाल रोशनी सही से नहीं कर रही है तो सही, आपकी मर्जी। उसके लिए फैसला करने का अख्तियार तो आपके पास ही है ना, आखिर माँ है उसकी। रोशनी, हम तो सिर्फ आपकी वजह से कह रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप अबान की कितनी केयर करती हैं, आप उसकी माँ हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि आपने अपनी सोशल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर कर रखा है। बस भाभी, फिर आप भूल जाएं कि कोई केयर टेकर आके अबान को संभालेगा, अबान को उसके मामा से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ओके ओके, हम भूल गए, आप खुश? नहीं, मेरी पेंटिंग, मेरी पेंटिंग। आभान, मेरी पेंटिंग। आज फिर तोड़फोड़, चीजों का नुकसान, ये घर है या पागलखाना? अच्छा बस बस, भाभी ने सुन लिया ना, तो चलो चल के देखते हैं। इसरा रोते नहीं है बेबी, इसरा रोते है। क्या हो रहा है, आप चिल्ला क्यों रहे हैं इस तरह? ये सब क्या हो रहा है और कमरे को आपने इस तरह मेस क्यों बनाया हुआ है? आप क्यों आए यहाँ पे? आपको अबान का पेंटिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद था ना? आप अबान की पेंटिंग का हाल क्या किया वो देखे। मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैं क्यों खराब करूंगी आपकी पेंटिंग? बेबी रिलैक्स, रिलैक्स बेबी, अगर बड़ी मॉम को कुछ पसंद नहीं तो फिर आप क्यों करते हो ऐसी हरकत? हाँ बड़ी मॉम प्लीज, आप ऑफिस चले, हम लेट हो रहे हैं। और अबान, बड़ी मॉम आपकी पेंटिंग क्यों खराब करेंगी? कैसे बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तुम चुप करो, मॉम को अबान का पेंटिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, मॉम को सिर्फ सिर्फ तुम पसंद हो, उनको सिर्फ तुम्हारा काम पसंद है, वो तुम्हें लाइक करती है। अबान तो मैसी है ना, अबान को वो कभी पसंद नहीं करती। बिहेव योरसेल्फ अबान, जायान से कैसे बात कर रहे हैं आप? वो बड़े भाई आपके। मैं अबान को समझा दूंगी, आप प्लीज गुस्सा मत करें। हम तंग आ गए आपके इस रोज रोज के बिहेवियर से, जरा सी बात पर आप घर की चीजें रोज तोड़ते रहते हैं। ये आपके लिए होगी जरा सी बात, अबान की आपने सिंड्रेला की पिक्चर खराब की, आप बहुत बुरी है मॉम, यू आर वेरी बैड, आई हेट यू। भाभी रिलैक्स, आप परेशान मत हो, आप जाइए रोशनी देख लेगी। ज़िया, तुम बड़ी मॉम को लेकर ऑफिस जाओ। यस सर, बड़ी मॉम जाए। अबान तुम बैठो, मैं सही कर देती हूँ, मैं सही करती हूँ आपकी पेंटिंग, आ जाओ बैठो बैठो, सर होते नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ मैं उठाती हूँ, मैं सब उठाती हूँ। चलो देखो, इस तरह नहीं रोते। हाँ अबान बेबी, इस तरह नहीं रोते, बहुत बुरी है। नदीम, शिवा,
पूछिए भाई क्या किया तुमने, अपनी जान लेने की कोशिश की। वर्षा ने दिया होता मुझे, क्यों बचाया? नहीं जीना चाहती मैं ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हारी बेरुखी सहनी पड़े। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी। अच्छा, इस तरह से? हाँ, खुदकुशी करना चाहती थी और ऐसे हराम मौत मरती, जानती हो तुम इसका मतलब? तुम्हें मनाने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूं, एक बार नहीं हजार बार मरने को तैयार। बहुत प्यार करती हूं तुमसे, प्लीज मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, माफ कर दो मुझे प्लीज। घर चल के बात करते हैं, तुम यहां पे हॉस्पिटल में नहीं ठीक होने वाली, मैं तुम्हारा इलाज घर जाके करूंगा। मैं हॉस्पिटल के सारे बिल्स क्लियर कर दूं, फिर चलते हैं। निमो, तुम कहां चली गई हो? कहीं तुम काशिफ के पास वापस तो? मुझे पता लगाना होगा। तुम यहां खड़े हो? हाँ, मैं बस निकल रहा हूँ, एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अम्मी को कह देना रात के खाने पे मेरा इंतजार ना करें, मैं लेट हो जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे? याद है ये क्या पूछ रहे? मैंने कहा ना मुझे जरूरी काम से जाना, और प्लीज ये हाथ मत पकड़ा। ओहो मिस्टर सड़ू, वो असल में ना कल आंटी शॉपिंग पे गए तो मैंने सोचा कि हम मूवी देखते हैं, चलो मैं सैक्रिफाइस कर लेती हूँ। तुम एक्शन मूवी पसंद है ना, हम एक्शन मूवी देखते हैं। अच्छा हम देखेंगे, लेकिन शाम, मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है, मैं वापस आऊंगा फिर देख लेंगे। ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ना, मैं अकेले घर पे बैठ के क्या करूंगी। नादिया क्या हो गया तुम्हें, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मेरा कहीं पहुँचना बहुत जरूरी है, और तुम घर में रहो, अम्मी अबू आने वाले होंगे, मैं रात को आ जाऊंगा, अम्मी को बता देना। अयूब, अयूब, आपको क्या हो गया था? कुछ नहीं जानी, बस मामा को थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, इसलिए उनको हॉस्पिटल में एक रात गुजारनी पड़ी। अब मामा बिल्कुल ठीक है। मिनाल बेटा, अब जाइए, अब जाके खेलिए, मामा को रेस्ट करने दीजिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके बाबा, मामा नाउ यू रेस्ट। ओके जानी, लव यू। अब बाबा, अब आप मम्मा से नाराज मत होइएगा। ओके, अब आप जाइए, शाबाश। मैं जानती नहीं, तुम अभी मुझसे प्यार करते हो, तो मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? हम फिर से एक हो सकते हैं, हम फिर खुश रह सकते हैं। ये प्यार क्या होता है मुझे तो नहीं मालूम। वो जो नदीम शीबा से करता है और शीबा नदीम से,
मैं फरीदा से कह के तुम्हारे लिए जूस भिजवाता हूँ, पी लेना और आराम करो। और हाँ, ये स्लीपिंग पिल्स ढूंढने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि मैंने सारी फेंक दी है। जान देने के और भी बहुत से तरीके हैं मेरे पास, कहो तो करके दिखाऊं। इतनी आसानी से तुम्हें मरने नहीं दूंगा, डोंट वरी। भाभी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप डिनर पे नहीं आई, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। नहीं, बस दिल नहीं चाह रहा था। I'm okay. आप आंसर हो गए? आपने उन्हें मेडिसिन दे दी? जी भाभी, बहुत मुश्किल से सोया, रो रो कर बुरा हाल कर लिया उसने अपना। मुझे तो समझ नहीं आती है, पेंटिंग क्या थोड़ी सी खराब हुई तो उसने अपना ये हाल कर लिया। अब ऐसी आंखों वाली लड़की सामने आ जाएगी तो पता नहीं क्या करेगा। लेकिन रोशनी, आप अच्छी तरह से जानती हैं, हमने उनकी पेंटिंग खराब नहीं की है, हम भला ऐसी हरकत क्यों करेंगे? अबान को पता नहीं क्यों ऐसा ख्याल आया, क्यों उसने ऐसा सोचा? अरे भाभी, आपको तो पता है ना कि अबान गुस्से में कुछ भी कह देता है, आप क्यों टेंशन लेती हैं? लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो पेंटिंग खराब किसने की? कौन है जो अबान को अजियत देना चाहता है? कौन ऐसा करेगा? अरे भाभी, वो तो पेंटिंग उसने खुद खराब की है और फिर सो गया, मतलब जरा सा रंग क्या बिखर गया तो उसने गुस्से में तो पूरी पेंटिंग पर लकीर मार दी और अगले दिन उठकर हंगामा कर दिया। अब छोड़े भाभी, चाय पिए, आप आन की फिक्र मत करें। थैंक यू। आप आराम करें, मैं चलती हूँ। थोड़ा बिजी था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, जो मैंने मंगाया था वो तुम लाए हो कि नहीं? हाँ हाँ लाया हूँ। मामा, लेकिन जरा एहतियात से, बहुत हैवी डोज है, कहीं ओवरडोज देने के चक्कर में मार मत देगा। हाइपर रखना है, हाइपर ही रखेगा बस। हैवी डोज, फास्ट एक्शन? कोई फास्ट एक्शन नहीं मामा, प्लीज ये बात मत भूलें कि ये आधी जायदाद अबान की है, उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तुम फिक्र नहीं करो, जो दवाई है ना, ये सिर्फ उसके दिमाग को मफलूज करने के लिए। जब हमारा मकसद पूरा हो जाएगा ना, उसका दिल बंद कर दोगे। एंड ऑफ स्टोरी। जब तुम जाओ, दरवाजा खुला हो, सर देख के डालेगा। ठीक है, लेके जाओ। मैडम, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या बात है?
एक्चुअली मैंने हिना को 4-5 बार कॉल की, हर दफा उसका नंबर ऑफ जाता है। हो सकता है उसने नंबर चेंज कर लिया हो। आप किसी तरीके उससे रब्ता करें, सिर्फ ये पता करवाते हैं कि काशिफ की दूसरी बीवी कहाँ है इस वक्त। देखिए मैंने तो सुना था कि हिना के वहाँ जाने से पहले काशिफ अपनी दूसरी बीवी को घर से निकाल चुका था। जी बिल्कुल, वो अपने मैके चली गई थी, लेकिन अब वो मैके में भी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो काशिफ के पास वापस तो नहीं चली गई। लेकिन खैरियत तो है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप जानती हैं मैं परेशान क्यों हूँ। प्लीज़ मैडम, प्लीज़ ये मेरा छोटा सा काम कर। ठीक है, मैं उससे बात करूँगी। अच्छा तो मेरी तीनों बच्चे। जी मैम, आपने बुलाया था? निमो, तुम यहां क्या कर रही हो? मैम आप पहले इनसे डील कर लें, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। तुम इसे कैसे जानते हो? निमोई तो काशिफ की दूसरी बीवी है। क्या ये वो हिना वाले केस वाली लड़की है? ओह गॉड, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और निमरा ने भी नहीं बताया मुझे। प्लीज आप मुझे बताएं, ये कब से रह रही है यहां पे? तुम बैठो, मैं सब बताती हूँ तुम्हें। मैं सिर्फ मैम ताहिरा के इंसिस्ट करने की वजह से तुमसे मिल रही हूँ। जल्दी कहो जो भी कहना है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। निमो मेरे साथ चलो, हम ना हम शादी कर लेंगे, बहुत खुश रखूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हर खांटे को अपने हाथों से दूर करूंगा, चलो मेरे साथ। तो तुम्हें पता चल गया कि तुम जो मेरी काशिफ से तलाक कराने की कोशिश कर रहे थे उसमें तुम कामयाब हो गए हो। तुम जीत गए हो, निमो हार गए, हार गए। नहीं निमो, ऐसा नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ मोहब्बत के लिए किया है। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं मैं, और करता रहूंगा। याद है ना आयु, मैंने शादी से पहले कहा था कि तुम मुझे छीन लोगे, है ना? शायद तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां। मैं आज फिर से वही खड़ी हूँ जहां पे कई साल पहले खड़ी, बिल्कुल तन्हा, अकेली। हाँ मुझे याद है, लेकिन वो बस मैंने ऐसे ही कह दिया था। निमो प्लीज मेरी बात का यकीन करो, अयूब निमो को दुख देने का सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, आज ही निकाह कर लेते हैं हम लोग। प्लीज अपनी जिद छोड़ दो, ये एनजीओ में रह के क्या करोगी तुम? यहाँ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। तुम दोनों मर्दों ने अपनी अपनी अना की भेंट चढ़ा दिया मुझे। निकाह कर लेते हैं, काशिफ जो मेरा शौहर था उसने मुझे इतना कीचड़ उछाला, मेरी रूह को जख्मी कर दिया उसने। और तुम अयूब,
तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे ना, तुमने मेरे वजूद को चूर चूर कर दिया। ये जो आज मेरे हालात है ना, ये तुम्हारे जुनून, मोहब्बत और पागलपन की देन है। यार प्लीज, उस काशिफ से तो नहीं मिलाओ मुझे। काशिफ एक घटिया इंसान था, जिंदगी बर्बाद की है उसने तुम्हारी। ऑलरेडी शादीशुदा था वो, फिर भी तुम्हें धोखा दिया उसने। और मैं, वो मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम थी, आज भी तुम और हमेशा तुम ही रहोगी। भैया चले जाओ यहां से, वरना मेरा यहां पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जिस निम्मो से तुम मोहब्बत करते थे वो निम्मो समझो मर गए। प्लीज चले जाओ यहां से। निम्मो प्लीज, मेरे साथ ये सलूक नहीं कर, मुझे यूं मुजरिम समझ के इतनी बड़ी सजा मत दो। सजा? सजा तो मुझे मिली है, मैं कौन होती हूं तुम्हें सजा देने वाली। हाँ बस ये कोशिश करना कि आज के बाद मुझे अपना चेहरा ना दिखा। यूं तनहा जिंदगी नहीं गुजरती निम्मो। अगर तुम कहोगी ना कि मैं सारी जिंदगी बैठ कर यहां तुम्हारा इंतजार करूं, तो खुदा की कसम सारी जिंदगी इंतजार करूंगा। निम्मो मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत में किया है। मेरा कोई मकसद नहीं था तुम्हारा घर उजाड़ू, बिलीव मी। जो अधूरा रह जाए ना वो मुकम्मल नहीं होता, चाहे वो मोहब्बत ख्वाब हो, जिंदगी हो या इंसान। और किसने कहा कि मैं तन्हा हूं? मेरे साथ है ना मेरे दुख, मेरी तकलीफें, ये सब है मेरे साथ, ये मुझे अकेला नहीं छोड़ता। मैं इनके आश्रय अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। एक कहानी थी, एक फसाना था, अपना बिछड़ना तो एक बहाना था। एक उदासी है हिजर की रातों में, सिर्फ लकीरें हैं खाली हाथों में, लम्हा लम्हा जोड़ रखा है। Yes. भाभी आप, अरे भाभी खैरियत है? आप अभी तक रेडी नहीं हुई, आपकी तबीयत तो ठीक है? या आई एम फाइन, बस थोड़ा सा बीपी हाई लग रहा था। आप जायान को कहती वो डॉक्टर को बुला लेता। इसकी जरूरत नहीं है रोशनी, हमने मेडिसिन खा ली है, आई विल बी फाइन, डोंट वरी। भाभी ब्रेकफास्ट रेडी है, आप कहें तो मैं रूम में ले आती हूँ आपके लिए। आप जाकर आराम से ब्रेकफास्ट कीजिए, अभी हमारा मूड नहीं है। और हाँ, जायान से कहिएगा कि हम ऑफिस लेट आएंगे, वो ज़रा ऑफिस जाके कंसाइनमेंट ऑर्डर की फाइल चेक कर लें। ठीक है भाभी, आप फिक्र नहीं करें, आप आराम करें, मैं जायान को बता देती हूँ। थैंक यू।
अरे अबान बेबी, अब इतनी जल्दी उठकर क्या हो गया? मामा मॉम कहाँ पे हैं? मॉम तो सो रही है, क्यों कोई काम है? नहीं अबान, ना मॉम को ही बताएगा, आप एक काम करेंगी मेरा, मॉम जब उठे ना ऑफिस के लिए मुझे बताइएगा, अबान ने एक सरप्राइज देना उनको। ओके, जब मॉम उठेंगी ना तो मामा आपको बता देगी, फिर आप खुद जाके सरप्राइज दे देना। ओके, अब आप रूम में जाओ, मामा आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। ओके ओके मामा। मॉम के लिए तो कोई खुद बड़ा सरप्राइज। कौन? बीवी जी फरीदा। बीवी जी उठ जाए, नाश्ता कर लीजिए। नदीम कहाँ? वो तो ऑफिस चले गए बीवी जी। नहीं जल्दी। ले जाओ नाश्ता, मुझे नहीं करना। खा लीजिए, फिर तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। कहा ना मुझे नाश्ता नहीं करना, लेक्चर मत दो, निकलो यहाँ से। जी अच्छा, इसे भी साथ लेके जाओ नाश्ते को। चलो अरे ये क्या स्लाइस रहता है, एग रहता है, और बनाना खाना शुरू कर दिया। व्हाट इज इट, अ बनाना डे? यस, ईट इट लेटर। अरे क्या, वापस क्यों ले आए? उन्होंने खाया। नदीम भाई, बीवी जी बहुत गुस्से में, वो कह रही है मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ले जाओ। बाबा मैं लेकर आऊं ब्रेकफास्ट मम्मा को? अगर मम्मा कुछ नहीं खाएंगी फिर तो वो तो बहुत बीमार हो जाएंगी। जी नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कीजिए, तैयार होइए स्कूल के लिए, और मैं जाता हूँ मामा को ब्रेकफास्ट कराता हूँ। ओके बाबा, गुड लक। गुड लक। फरीदा आप जैसे ही ब्रेकफास्ट खत्म कर ले, ब्रेकफास्ट खत्म करना है, ब्रेकफास्ट खत्म कर ले, उसके बाद जाके उसको स्कूल के लिए रेडी कर। जी सर, ठीक है, बिल्कुल। चलें जल्दी जल्दी स्कूल जाना है, जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करना है, ठीक है? हम जल्दी से फिनिश करें, फिर मैं आपको ये खिलाऊं। तुम तो ऑफिस चले गए थे ना? वापस आ गया तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए। चलो नाश्ता करो। इसका मतलब फरीदा ने मुझसे झूठ बोला, उसे तो मैं ठीक करती हूँ। हाँ, उसी को ठीक करो जाके तुम, क्योंकि तुम्हारा सारा जोर फरीदा पे ही तो चल सकता है, सारा पागलपन खत्म है उस पे, है ना? नहीं खाना मुझे, खाना ले जाओ, ये भी तुम भी ले जाओ, मैं भूखी ठीक हूँ बिल्कुल। मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो तुमने नाश्ता कर लिया। आई बात समझ? Yes, sir. हाँ ये जाके मिस निम्रा को दे दीजिए और बोलिए कि मैं उन्हें कॉल करूंगा। ठीक। आप लोग जा सकते हैं। We'll be right back.
हेलो मिस नंदा, हाउ आर यू? आई एम ओके सर। वो एक्चुअली बड़ी मॉम आज ऑफिस नहीं आई, तो कुछ फाइल्स मैंने आपको भिजवाई हैं, वो जाके बड़ी मॉम से साइन करवाना। ये काम तो हमारा कामरान करता है, बट वो भी आज ऑफिस नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप जाके बड़ी मॉम से साइन करवा लें, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। सर मैं जाऊँ? यस यस, आप क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस। गुड गर्ल, अच्छा संभाल के, ये कंपनी के बहुत कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बड़ी मॉम के पास जाएं और साइन करवाएं। ये काम कामरान करता है, वो हमारे एतबार का बंदा है, लेकिन वो नहीं आया। बड़ी मॉम तायरा उनकी लड़कियों पे बहुत ट्रस्ट करती है, जब भी आपको कह रहा हूँ जाने को। जी सर, डोंट वरी। मिस निम्रा। जी। कंपनी की तरफ से आपको मोबाइल दिया गया था, जो कि आपने लेने से मना कर दिया, यहाँ तक कि आपके पास मोबाइल नहीं है तब भी। सर मुझे फोन की जरूरत नहीं है, इसलिए वापस कर दिया। अब जरूरत पड़ेगी आप।